दोस्तों नमस्कार, कैसे हो मेरे हिंदुस्तान के सभी लीडरों, नमस्कार। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं। और कोई कुछ भी बोले, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आज से पहले बहुत बार हुआ है, हजारों बार हुआ है, चेकिंग हुई है, तो होने दो, आप क्यों घबरा रहे हो, छोटी छोटी बातें यहाँ, तो इससे हमें घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हम अच्छे तरीके से जो भी हमसे जो कार्रवाई के लिए अगर पूछा जाएगा तो हम उसमें बिल्कुल सोना है, खड़े हैं, तो इसमें आप घबराए ना और मन लगा के काम करें। हम बैठे हैं, आपकी जिम्मेवारी लेते हैं, आप अच्छे तरीके से काम करें। और ऑनलाइन पोर्टल है फेयर डील, और यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल में आप मार्केट से भी तो साबुन खरीदते हो, नहाने की साबुन खरीदते हो, पेस्ट खरीदते हो, वही मार्केट की साबुन पेस्ट हम बेच रहे हैं, तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम है और इतना इसको ऐसे वायरल ज्यादा से ज्यादा करें तो इसको आप रोकें, आराम से अपने मन लगा के काम करते रहें। किसी भी प्रकार की हम आपको चिंता ना करें, हम कोई टेंशन नहीं आने देंगे। आप सब लोगों को बड़ी कामयाबी मिलेगी। और आज हिंदुस्तान के अंदर हमने जो 3 साल में बोला है, वो हमने हिंदुस्तान के अंदर खाली सपने नहीं दिखाए, लोगों के सपने पूरे भी किए हैं। तो मैं सब लोगों से मिलकर एक ही बात कहता हूं, पूरे हिंदुस्तानियों से मिलकर एक ही बात कहता हूं कि सब एकजुट होके ज्यादा से ज्यादा काम करें। कल अलग अलग प्रकार के मैंने कमेंट देखे लोगों की, जो कटिंग आ रही थी उस पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बधाई हो, ये तो होना ही था फ्यूचर मेकर के साथ में। मेरे भाई, बधाई की क्या बात है, हिंदुस्तान में लाखों लोगों का रोजगार, अगर ऐसी कोई खबर जो हकीकत में आ जाती और आप लोग बधाई दे रहे हो, तो इसमें बधाई देने वाली कौन सी बात है। लाखों लोगों का रोजगार छीनने से अगर बधाई होती है तो मैं क्या आपको सोच को बोलूं। एक बंदे ने तो हद कर दी, वो बोला कि लो कन्यादान, लड़कियों की कन्यादान करने वाले कर गए कन्यादान, टाटा बाय बाय। अरे मेरे भाई, कन्यादान करना कोई गलत है क्या? अरे आप ना कर सको, जो कर रहे हैं उनको क्यों बुरा बोल रहे हो? तो मेरे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग से प्यार करता हूं, ना कि फ्यूचर मेकर से, डायरेक्ट सेलिंग से मैं प्यार करता हूं। और डायरेक्ट सेलिंग में जो आज हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लीडर हैं, सब लोग मिलकर हिंदुस्तान में अच्छाई फैलाएं। और जैसे अमेरिका में आज 30% लोग सफल हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग से, तो मैं